सहसपुर में फनी नागवंशी राजाओं के शासन काल में निर्मित जुड़वा मंदिर हजारों गैलिन से जलाभिषेक किया गया, फिर भी प्राचीन शिवलिंग नहीं डूबा। एक के एक बार चमत्कारी घटनाओं के कारण यह मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना हुआ है। संचालकों के अनुसार फनी नागवंशी राजाओं के शासन काल में निर्मित यह जुड़वा मंदिर जनप्रतिनिधि स्मारकों में से एक है। मान्यता है कि करवधा के फनी नागवंशी राजाओं ने 13-14 शताब्दी में बनवाया है। किंवदंती है कि गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग कभी नहीं डूबा है। 8 दशक पहले गांव में भीषण अकाल पड़ा, पर सहसपुर, नवकेसा, लालपुर, बुंदेली, गाड़ाडीह सहित आसपास क्षेत्र के ग्रामीणों ने महाशिवरात्रि के दिन गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग को जलाभिषेक कर डुबाने का निर्णय लिया गया था। योजना के मुताबिक मंदिर परिसर से लगभग 300 मीटर की दूरी पर स्थित जलाशय तक कतारबद्ध खड़े होकर जलाभिषेक किया गया। सुबह से शाम तक शिवलिंग पर हजारों गैलन जल चढ़ाया गया, लेकिन शिवलिंग को जल से डुबोने का प्रयास असफल रहा। हजारों गैलन पानी कहां गया किसी को पता नहीं चला। तब गांव वालों ने यह धारणा बनाई कि शिवलिंग को पानी से डूबने का निर्णय एक अहंकार था। इसके बाद से गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग की आस्था बढ़ती चली जा रही है। तब से हर साल महाशिवरात्रि में मेला लगता है, आसपास के ग्रामीण शिवलिंग का जलाभिषेक करने पहुंचते हैं। परंपरा के मुताबिक अभी भी श्रद्धालु मंदिर के गर्भगृह में जलाशय तक कतारबद्ध खड़े होकर जलाशय के पानी से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। यह मंदिर स्वयं शिवलिंग मंदिर के धरातल पर गर्भगृह में 3 फीट नीचे है। मंदिर का छत कला से अंतरित है। मंदिर के बाहर के बाहरी हिस्से में नटराज शिव और दाई ओर चतुर्भुज की गणेश की भित्ति चित्र है। यह नृत्य की मुद्रा में है। सावन माह शुरू होते ही यहां दर्शन को श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। यह देवकर से 7 किलोमीटर दूरी पर सहसपुर का प्राचीन मंदिर है। देवकर नवकेसा होते हुए सहसपुर पहुंचाया जा सकता है। जुड़वा मंदिर पूर्वाभिमुखी है। एक मंदिर के गर्भगृह में स्वयं शिवलिंग स्थापित है, दूसरे में प्रतिमा नहीं थी। बाद में गांव वालों ने हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित की है। मंदिर में अंतराल, गर्भगृह और मंडप है। नगर शैली में अमलक एवं कलश युक्त शिखर है। मंडप का धरातल गर्भगृह से लगभग 8 फीट ऊंचा है। शिव मंदिर के मंडप में पत्थर से बने कालम है। प्रत्येक कालम में नाग उकेरे गए हैं। मंदिर के प्रवेश द्वार में चतुर्भुज शिव एवं दाएं ओर छोर पर ब्रह्मा जी और बाएं छोर पर विष्णु की प्रतिमा विराजमान है। नीचे में नवग्रह विपरीत क्रम में अंकित है। गर्भगृह में जलधारी शिवलिंग है। दरवाजे की कलाकृति भोरमदेव मंदिर कबीर धाम करवधा समान है। भोरमदेव मंदिर की तरह बाहरी हिस्से पर कोई कलाकृति नहीं है। ये प्राचीन भगवान शिव जी के मंदिर है। ये 13वीं-14वीं शताब्दी से ही उत्पत्ति हुए है, जब नागवंशी राजा के द्वारा ही शासन काल में ही इधर उत्पत्ति हुए है। जो भी भक्तराज मन भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में मनोकामना हेतु यहाँ मंदिर दरबार प्रांगण में आते हैं, भगवान से माथा टेकते हैं और माथा टेकने के बाद में हर मनोकामना संपूर्ण होते हैं, वो मन पुनः फिर भगवान के ही दरबार में दर्शन हेतु आते हैं। एक बहुत ही महत्व बताए गए हैं भगवान भोलेनाथ जी में। श्रावण महीना में तो आसपास के गांव के भक्तराज मनाते, सावन महीना में तो हर सोमवार को मेला की झड़ी लग जाती। और जी के बहुत बड़े